हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर मोबाइल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग अपना जो मोबाइल का डायल पैड होता है उसके पीछे अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो पूरा एंड तक देख। तो डायल पैड के पीछे एक फ़ोटो सेट करने के लिए हम लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है डिजाइनर टूल्स। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको भी बस इसको इंस्टॉल करना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ हम लोग को इसमें सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया इंटरफेस है। तो इसमें दोस्तों पहला जो ऑप्शन है ग्रिड ओवरले का, तो उसको हम लोगों को ओपन कर देना है। तो यहाँ पे ऑन कर देना है सिंपली उस पर क्लिक करके, उसके बाद हम लोग को ये सेटिंग में लेके जाएगा। तो अलाउ डिस्प्ले ओवर द एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उसको भी ऑन कर देना है। तो उसको ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड की लाइंस वगैरह के जो दो ऑप्शन है उसको भी हम लोग को ऑन कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसको ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देंगे 8x8, तो उसको हम लोग को 10x10 कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दो लाइंस मिलेगी उसको आप आगे पीछे करके ये नंबर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन मॉक ओवरले का, तो इसको भी ऑन कर देना है। तो उसको क्यों ऑन कर देना है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को एक डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है इसको ऑन ऑफ करने का। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का फोटो सेट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग को जो पोर्ट्रेट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हम लोग को ये फ़ोटो सेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं उस पर क्लिक करके हम लोग को डायरेक्ट गैलरी में लेके जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फ़ोटोज़ है मेरे पास, तो उसको मैं सेट करने वाला। तो आपके अगर फोटोज़ गैलरी में आपको फोल्डर से चूज़ करना है तो यहाँ पे रिसेंट के बाद जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं। सिंपली उस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर देख सकते हैं फाइल मैनेजर फोटोज़ वगैरह का यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मेरे यहाँ पे ये यह, तो इसमें से एक मैं फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ सिंपली, हाँ ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया है मैंने एक फ़ोटो को, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो फटाक से सेट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसके ही नीचे हम लोग को 10% कैपेसिटी का ऑप्शन है, उसको 100% कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो 100% करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो फ़ोटो है वो पीछे बैकग्राउंड में दिखने लगा है। तो अभी हम लोग पूरा बैक में इसके जो नीचे जो सेटिंग है उसको कुछ आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारी ये फ़ोटो सेट हो चुका है, मैं अभी आपको जाके डायल पैड में दिखा देता हूँ कि ये फ़ोटो सेट हुआ है कि नहीं। तो सिंपली हम लोग डायल पैड में चले जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे स्क्रीन में हम लोग के ये फ़ोटो देखने को मिल जाता है। तो डायल पैड में चले जाके यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाके देख सकते हैं हम लोग का जो डायल पैड है और जो कॉन्टैक्ट्स है उसके भी ये पीछे हम लोग को फ़ोटो देखने को मिल जाता है। तो मैं अभी आपको कॉन्टैक्ट में भी जाके दिखा देता हूँ कि ये फ़ोटो दिख रहा है कि नहीं। हम लोग का जो सेटिंग है उसमें भी यही फ़ोटो दिखेगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट में मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ तो भी ये फ़ोटो दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरह आप ये फ़ोटो सेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं अभी और भी सेटिंग आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग बैक आ जाएंगे होम में तो भी हम लोग को ये फ़ोटो देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैसेज वगैरह में भी हम लोग जाते हैं तो भी हम लोग को ये फ़ोटो सेट हुआ हुआ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन जो ऊपर हमने मॉक ओवरले का जो मैंने आपको ऑप्शन बोला था उसको ऑन करने के लिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन हम लोग को डायरेक्ट ऑफ करने का परमिशन देता है। तो अभी हम लोग सेटिंग में जाएंगे तो दोस्तों सेटिंग में भी हम लोग को ये जो फ़ोटो है वो सेट हुआ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, हम लोग इसी तरह अपना जो फ़ोटो है वो इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फ़ोटो को ऑफ करना है मतलब डिसेबल करना है तो सिंपली आपको ये जो शटर है उसको नीचे लाना होगा और मॉक ओवरले का ऑप्शन है उस पर क्लिक मारना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्लिक मारने के बाद जो फ़ोटो है वो गायब हो जाएगा मतलब डिसेबल हो जाएगा, उसको हम लोग फिर से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट वगैरह में या फिर डायल पैड में हम लोग को जो फ़ोटो दिख रहा था वो डिसेबल हो जाता है। तो सिंपली इसको ऑन करने के लिए हम लोग को करना क्या, फिर से शटर नीचे खींचना है और मॉक ओवरले का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ये जो फ़ोटो है वो फिर से हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर कुछ सेटिंग में दिक्कत आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।